हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो जैसे मैं मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है ब्रोंकोस्कोपी इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ। तो ब्रोंकोस्कोपी एक टेक्निक है कहें जो कि किस ऑर्गन को, किस पार्ट को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्टमक, दूसरा ट्रैकिया एंड ब्रोंकस, तीसरा कॉलन, चौथा ब्रोंकस। तो ब्रोंकोस्कोपी जो है वो ट्रैकिया और ब्रोंकस को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्जिकल ट्रे शुड बी परफोरेटेड टू अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ। तो यहाँ पे जो सर्जिकल ट्रे है उसमें छेद छेद होल किया रहता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ को पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ को अलाउ करने के लिए वो होता है। तो मेनली पहला ऑप्शन है स्टरलाइजिंग एजेंट, दूसरा सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो उसमें होल रहेगा तभी तो एंटर कर पाएंगे स्टरलाइजिंग एजेंट और फिर अंदर जो है जो भी प्रोसेस स्टरलाइजेशन का वो हो पाएगा। तो मेनली आंसर होगा स्टरलाइजिंग एजेंट को अलाउ करने के लिए सर्जिकल ट्रे में होल्स होते हैं, परफोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइडेक्स एज। तो पहला ऑप्शन है 10% पोविडोन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है 2% ग्लूटराल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है 4% सोडियम हाइपोक्लोराइट और चौथा ऑप्शन है 2% ब्लीचिंग पाउडर। तो जो दूसरा ऑप्शन है 2% ग्लूटराल्डिहाइड वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग इज अ मेथड ऑफ। तो ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का मेथड है, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस, स्पोरिसाइडल का नहीं, मेन इसका जो है वो है स्टरलाइजेशन, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा और उसके स्पोर्स को भी किल कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू क्लैंप ब्लड वेजल, यानी सबसे सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड वेजल को क्लैंप करने के लिए, ठीक है। पहला है बवेल स्टेपलर, दूसरा बैबकॉक फोर्सेप, तीसरा एलिस फोर्सेप, चौथा जो हमारा है वो है आर्टरी फोर्सेप्स। राइट आंसर होगा आर्टरी फोर्सेप्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ट्रायंगुलर बैंडेज फोल्डेड टू अप्रॉक्सीमेटली 2 inch विड्थ इज कॉल्ड, यानी एक ट्रायंगुलर बैंडेज है जिसको कि लगभग 2 inch की चौड़ाई में फोल्ड किया गया है, ठीक, उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है बार्टन बैंडेज, दूसरा रोलर बैंडेज, तीसरा क्रेवेट बैंडेज, चौथा इलास्टिक बैंडेज। तो यहाँ पे जो क्रेवेट बैंडेज है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन कैनुला इज यूज्ड इन। तो हसन कैनुला का यूज किस में होता है। तो पहला ऑप्शन है लैप्रोस्कोपी, दूसरा सिस्टोस्कोपी, तीसरा लैप्रोटमी, चौथा रोबोटिक सर्जरी। राइट आंसर होगा लैप्रोस्कोपी में हसन कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीफिलामेंट सूचर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि पॉलीफिलामेंट सूचर कौन सा है, यानी उसमें मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। पहला है पॉलीएमाइड जिसे नायलॉन कह सकते हैं, दूसरा कैटगट जो कि ये हमारा जो है वो मोनोफिलामेंट होता है, नेचुरल होता है, और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो है वो, यानी कि अब हमारा जो इसमें चौथा है वो प्रोलीन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। यानी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो है एक पॉलीफिलामेंट सूचर है, कैटगट और पॉलीएमाइड और प्रोलीन मोनोफिलामेंट सूचर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट किल्स लाइव बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर्स। ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें जो बैक्टीरिया, जीवित बैक्टीरिया, जीवित जीवाणु उसको भी किल कर देगा, मार देगा, प्लस में उसके स्पोर्स को भी मार देगा, ठीक है। स्पोर्स क्या हैं, तो स्पोर्स के थ्रू ही नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बनेंगे, बढ़ेंगे, तो स्पोर्स को मारेगा और उस बैक्टीरिया को भी मारेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है डिसइंफेक्शन, दूसरा स्टरलाइजेशन, तीसरा हाई लेवल डिसइंफेक्शन
और चौथा है नन ऑफ द एवर। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया को भी मारेगा और उसके स्पोर्स को भी मार देगा। यहाँ क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ क्रैनियल नर्व इज नॉन एज। चौथा क्रैनियल नर्व किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रॉक्लियर, दूसरा ट्राइजेमिनल, तीसरा होता है ऑल्फैक्ट्री, चौथा ऑप्टिक नर्व। राइट आंसर होगा ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो चौथा क्रैनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको घुमा के भी बोल सकते हैं कि फोर्थ क्रैनियल नर्व के नाम से जाना जाने वाला, या फिर ट्रॉक्लियर नर्व के नाम से जाना जाने वाला कौन सा क्रैनियल नर्व है? तो चौथे क्रैनियल नर्व को हम लोग ट्रॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्किन ग्राफ्टिंग इज। तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं स्किन ग्राफ्टिंग के लिए? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे बार्ड पार्कर नाइफ, यानी BPKH जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हम्बीज नाइफ, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है गामा नाइफ, और फोर्थ ऑप्शन है जैक नाइफ। तो राइट आंसर होगा हम्बीज नाइफ, जिसकी मदद से स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। राइट लंग हैज, तो राइट लंग यानी हमारे जो दाएँ फेफड़े हैं उसमें कितने लोब्स होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 3 लोब। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन के साथ। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को हेल्प करते होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद करते होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।